मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार और मैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में न्यूरोलॉजिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक बीमारी जिसे कि ट्राइजेमुलर न्यूरालजिया बोलते हैं। इस बीमारी में चेहरे पे पेन होता है, दर्द होता है। दर्द बहुत ही शार्प, तेज, चुभने वाला दर्द होता है जो कि कुछ सेकेंड्स से कुछ मिनट तक ही रहता है, लेकिन ये एक दिन में कई बार ऐसा दर्द रिपीट कर सकता है, दोहरा सकता है। ऐसा सिंपल काम जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं या खाना चबा रहे हैं या फिर चेहरे को पानी से धो रहे हैं या फिर शेविंग कर रहे हैं या कभी कभी जस्ट हवा का झोंका अगर चेहरे में टच होता है या किसी का हाथ या कपड़ा टच हुआ, इस तरह के सिंपल चीज़ों से भी दर्द बढ़ सकता है और इससे इस दर्द के कारण डेली एक्टिविटीज़ में बहुत कठिनाई आती है। ये इसका कारण क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है, जो चेहरे का नस है जिसे कि हम ट्राइजेमुलर नर्व बोलते हैं, वो एक खून की नली के द्वारा दब जाता है और ये दब जाने से ऐसा होता है। कुछ रेयर कंडीशंस में ट्यूमर से या इन्फेक्शन से अगर नस दब जाए तो भी ऐसा होता है। मैक्सिमम पेशेंट्स में अगर हम सिम्टम्स देखें तो इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ मरीजों में कंफर्म करने के लिए कि किसका कारण क्या है, एक ब्रेन स्कैन का भी जरूरत पड़ सकता है। इसका इलाज काफ़ी आसान है, 70-80% केसेस में दवाइयों से इसका इलाज कर सकते हैं और दर्द कम हो जाता है। और जिन 20-30% लोगों को दवा से फ़ायदा नहीं होता है, उनके लिए रेडिएशन ट्रीटमेंट है जैसे कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, या फिर एक सर्जरी है जिसमें कि नर्व्स को क्लियर कर सकते हैं, प्रेशर हटा सकते हैं, जैसे कि माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन सर्जरी बोलते हैं। तो अगर आपको चेहरे में ऐसा दर्द है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें जिससे कि इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो सके और आप एक बिना दर्द के आप एक जीवन व्यतीत कर सकें।